यदि तुम्हारे लक्ष्य संभालने पर भी परिस्थितियां नहीं संभल रही हैं, तुम्हारे बनाए भी ये बात नहीं बन रही है, बिगड़ रही है अवस्था, बिगड़ रही है तुम दोनों के बीच रिश्ते और बढ़ रही है तुम दोनों के बीच दूरियां। यदि पति हाथ से निकला जा रहा है तुम्हारा और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भविष्य में भी इस रिश्ते को मैं नहीं संभाल पाऊंगी। कितना खुश था वो मुझसे विवाह किया था, जब उसने मुझसे विवाह से पहले 4-4 घंटे धूप में इंतजार करता था वो तुम्हारा। अभी फोन उठाने में 4 सेकंड देरी होती है तो वो तुमसे रूठ जाता है, तुमसे बात नहीं करना चाहता, नफरत करने लगता है। कहाँ थी तुम, क्या कर रही थी, तुम्हारे लिए मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे मन में, तुम अब मुझसे प्रेम नहीं करती, तुम अब पहले जैसी नहीं हो, कैसी लगती थी तुम, मैंने तुम्हें क्या देखकर शादी की थी, आज तुम क्या हो गई हो, क्या बात है, तुम्हारा फोन एंगेज बता रहा था, किससे बात कर रही थी, कहीं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, अपने घर वालों से 2 मिनट तुम बातचीत करती हो फोन करके, अपने पिता का हाल पूछती हो, वो चढ़ जाता है, तुम तो मायके में ही लगी रहती हो तो अपना घर कब देखोगी, तुम्हारा ध्यान बच्चों पर नहीं है, मुझ पर नहीं है, तुम्हारी माँ से तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिलती, मतलब मिला जुला कर उसकी समस्या तुम्हारे घर वाले नहीं है, उसकी समस्या तुम्हारे फोन कॉल नहीं है, उसकी समस्या तुम बन गई हो, तो तुम जो भी करती हो उसको समस्या होती है। चाय बनाती हो, कैसी चाय बनाती हो, तुम भूल गई हो क्या चाय बनाना, ध्यान रहेगा तुम्हारा तब तो तुम बनाओगी, तुम्हारा ध्यान तो कहीं और है, मतलब ध्यान से देखो, कभी उसने चाय पर झगड़ा किया, कभी नाश्ते पर झगड़ा किया, कभी छत जाने पर झगड़े किया, कभी देर तक नहाने पर झगड़े किया, कभी तुम्हारे पिता से बात करने पर झगड़े किए, कभी मार्केट अकेले जाने पर झगड़े किया, अर्थात ध्यान से देखो सब्जेक्ट कुछ और है, उसे प्रॉब्लम तुमसे हो रही है, सबसे ज्यादा अच्छी उसे तुम ही लगती थी, तुम्हारा इतना ख्याल रखता था, तुम उसका इतना ख्याल रखती थी, तुम दोनों के बीच प्रेम था, ऐसे भी बैठे रहते थे तो हाथों में हाथ डाल के बैठे रहते थे, अब तुम उसके बगल में बैठ जाती हो तो वो उठ के भागने लगता है वहां से, नहीं पसंद आ रही उसे तुम्हारी संगति, क्या करे, रिश्ते को छोड़ा भी नहीं जा सकता, नई नवेली भी नहीं हो तुम। अच्छा एक मैसेज मुझे आया है, मैं बहन का नाम तो नहीं बताऊंगी, कमेंट को मैंने डिलीट भी नहीं किया है, कि केवल 3 माह हुए हैं शादी के और पति अपना रंग दिखाने लगा। ये जो प्रथम वर्ष होता है विवाह का, एंजॉय करने का समय होता है, एक दूसरे को समझने का समय होता है, गृहस्थ जीवन को महिला समझने का प्रयास करती है, क्योंकि वो एक लड़की थी और अपने घर की बच्ची थी, वो आई है, प्रथम वर्ष तो उसे सिर्फ गृहस्थी समझने में लग जाती है, तो पति को चाहिए ये प्रथम वर्ष उसे भरपूर समय दे, इस रिश्ते को समझने का मौका दे, अपने घर के नियम तौर तरीके खुद के बारे में उसे समझाए बताए, इस रिश्ते को उस पर थोपे नहीं, और प्रथम 3 माह में यदि पति उखड़ जाए, झगड़ा करने लगे, उसे मायके भेज दे, तलाक की बात कहे, तो समझो पति ने पत्नी को बसने का मौका ही नहीं दिया। अरे मूर्ख तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें दूसरी पत्नी लानी है तो प्रथम से विवाह ही क्यों किया, क्योंकि 3 माह तो कोई समय ही नहीं होता है, 3 माह तो 3 दिन के बराबर होती है इस नई जिंदगी में किसी औरत के लिए, वर्ष तो बीतने दो, 2 वर्ष बीतने दो, वो तुम्हारे गृहस्थी को तुमसे बेहतर समझ लेगी, वो तुम्हारी माँ को तुम्हारे पिता को तुमसे बेहतर समझेगी, क्योंकि तुम पुरुष हो वो महिला है, उसके अंदर कुछ गुण ईश्वर ने दिए हैं, वो खुद को भूल जाएगी, कब वो अपने नाम को भूल जाएगी, इस घर की बहू बन जाएगी, थोड़ा वक्त तो दो उसे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं बहन, सब तुम्हारा भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम कितनी सुंदर हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम्हें आंसू नहीं बहाना है, तुम्हारा शुक्र बहुत अच्छा है, तुम्हारा गुरु बहुत अच्छा है, और तुम्हें अपने अंदर कमियां नहीं ढूंढनी है, कमी नहीं है तुम्हारे भीतर, जिसने तुम्हें मौका ही नहीं दिया तुम उसे कितनी परीक्षा दो, तुम पास करने वाली नहीं हो, चलो ग्रह बिगड़े हैं ग्रह को सुधारा जाएगा, परिस्थितियां बिगड़ी है परिस्थिति को सुधारा जाएगा। यदि तुम दोनों के बीच मामला केवल झगड़े का हो, केवल झगड़ा, तुम्हें कोई कमी नहीं है, उसमें भी कोई कमी नहीं है, परंतु तुम दोनों जैसे ही एक दूसरे के सामने आते हो झगड़ने लगते हो, तुम्हारी सास परेशान है, तुम दोनों क्या चीज हो, जब भी तुम लोगों के कमरे से सिर्फ लड़ाइयों की आवाज आती है, तुम्हारे मायके वाले परेशान हो गए, बात बात पर तुम झगड़ा करके मायके चली आती हो, फिर थोड़े दिन होते हैं गुस्सा ठंडा होता है, दामाद जी आते हैं तुम्हें लेकर जाते हैं, फिर कुछ देर होते हैं झगड़ा करके तुम मायके चली आती हो, अर्थात कौन कराता है झगड़ा, राहु करवाता है, मेरे इतने सारे वीडियो देखने के बाद कुछ ज्योतिष का अनुभव हो गया होगा। दूसरा कौन करवाता है झगड़ा, मंगल करवाता है। तीसरा कौन करवाता है झगड़ा, शनि करवाता है। बस ये 3 ग्रह होते हैं जो झगड़े करवाने वाले ग्रह,
चलो आज झगड़ों को शांत करते हैं, रिश्ते को सुधारते हैं। एक छोटा सा प्रयोग करने मात्र से यह झगड़ा शांत हो जाएगा। और यदि कोई अन्य समस्या नहीं है तुम दोनों के बीच, बात केवल झगड़े की है, तो झगड़ा तो वैसे भी खत्म हो जाएगा। फिर घबराना नहीं, रोना नहीं, तुम पहले से ज्यादा सुंदर लगोगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है, ऊपर वाले की प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे इस वीडियो को प्रथम बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो पहुंचाना चाहती हूँ आप तक और पहुंचे सीधे आप तक। इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझसे जुड़ सकें आप हर दिन, हर रोज, हर पल। प्रथम बात बताती हूँ, यदि दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, पति के साथ बार बार अनबन हो जा रही है, काले रंग के वस्त्र का त्याग कर दीजिए। भूल कर भी काला कपड़ा एक घंटे के लिए भी शरीर में मत पहनिए। जो ड्रेसेस आपने ले ली है काले, उसे मोड़ कर समेट कर रख दीजिए, दे दीजिएगा कुंवारी जो आपकी सिस्टर होगी उसे वापस दे दीजिए। तुम पहनो, अभी कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा, तुम मत पहनना। अपने वार्डरोब में ज्यादा से ज्यादा पीले रंग के कपड़े खरीदने का प्रयास करो। पीला रंग तुम्हारे गुरु ग्रह को ऐसा कर देगा कि तुम्हारा पति तुम्हारे चारों ओर इशारे पर नाचेगा। पीले रंग के कपड़े ज्यादा खरीदो। वेस्टर्न पहनती हो, इंडियन पहनती हो, सूट साड़ी टॉप जो पहनती हो, पीले रंग के ज्यादा से ज्यादा उसे शामिल करो। चलो उपाय पर आती हूँ सीधे। अद्भुत चमत्कारिक उपाय बता रही हूँ, और एक दिन में चमत्कार नहीं होगा। आज तुमने मेरा बताया जैसे उपाय करोगे, कल तुम्हारा पति तुम्हारे दरवाजे की बेल बजाएगा। ऐसा कोई धोखे में मत जाना। वशीकरण नहीं बता रही हूँ मैं, आज उपाय बता रही हूँ, परंतु जो बता रही हूँ तुम्हारा घर बस जाएगा। फिर नहीं होंगे झगड़े, कोई कलह नहीं होगा, और फिर तो तुम दोनों का विवाह हो गया है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। गुरुवार के दिन पीले रंग की चूड़ियाँ पहनना, कांच की चूड़ियाँ दोनों हाथ में पहनना। केसर घोल लेना जल में, गुरुवार के दिन ही करना, और शुक्ल पक्ष का गुरुवार हो। केसर को थोड़ा गीला कर लेना, थोड़ा सा जल देकर घोल लेना। तुम्हें चूड़ियों पर अपने पति का नाम लिखना है। अब चूड़ियां बहुत पतली होती है, तुम्हें ध्यान रखना है, परंतु कांच की चूड़ियों पर, वो प्लास्टिक वाले बाले आते हैं छोटे छोटे से, उस पर तो लिखना आसान है परंतु वो कार्य नहीं करेगा। कांच की चूड़ियों पर, सुहाग कांच की चूड़ियां होती है। तो एक काम करो, मैं एक आइडिया देती हूँ, तुम अपने मन से आइडिया दे रही हूँ, वैसे तुम अपना जो कर सको। चार पांच चूड़ियों को तुम ना किसी चिपकाने वाली चीज से एक जगह या दो जगह चिपका देना, चार पांच चूड़ियाँ आपस में जुड़ जाएगी। ऐसे दो बना लेना, एक बाएं हाथ के लिए, एक दाएं हाथ के लिए। कुछ दिन में उखड़ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो चार चूड़ियाँ या पांच चूड़ियों को आपस में दो तीन जगह जोड़ दोगे, वो जुड़ जाएगा। अब आसानी से केसर से उस पर अपने पति का नाम लिखो। अब दिखेगा पति का नाम नहीं, ये सब मत सोचना, नहीं दिखे कोई बात नहीं, तुमने लिखा ना, राजेश नाम है तो लिखना राजेश, या इंग्लिश में लिखना या हिंदी में लिखना। केसर वाले जल से चूड़ियों पर पति का नाम लिखना। दो चूड़ी भी जोड़ दोगे तो तुम लिख पाओगे अपनी सुविधा के अनुसार। इसके अलावा कोई आइडिया है तुम्हारे पास तो तुम करना। दोनों हाथ में वो चूड़ियां पहनना, और अन्य चूड़ियां भी पहनना, और जो तुम पहनती हो सब पहनना। कांच की चूड़ियां पहनना पीले रंग का, गुरुवार के दिन। विधिवत केले के पेड़ का पूजा करना, जैसे केले का वृक्ष का पूजा होती है वैसे भी गुरुवार को करना। शादीशुदा हो, दाम्पत्य सुख मिलेगा, हमेशा मिलता रहेगा, गुरुवार को केले के पेड़ का अच्छा सी विधिवत पूजा करना। चार चांदी की कील बनवा लेना, पहले से ही बनवा लेना, आसानी से बन जाती है। तुम सोने चांदी की दुकान पर जाके कहोगे तो बनी बनाई भी मिलती है, हमारे तरफ तो खूब मिलती है। चार चांदी की कील कुछ लोग अपने दहलीज पर ठुकवाते हैं, कुछ लोग दुकान ग्राहक टोटका करते हैं, कुछ लोग बच्चे जन्म पर भी करते हैं इसके बहुत सारे उपाय। तुम्हें चार चांदी की कील लानी है। जिस बेड पर तुम सोती हो उस बेड के चारों पैरों पर तुम्हें ये चांदी की कील ठुकवा देनी है, तभी जब झगड़े बहुत होते हैं तुम दोनों के बीच। यदि बात झगड़े की नहीं है, कुछ दहेज मांग रहा है इसलिए हो रही है बात, या तुम उसे सुंदर नहीं लग रही हो, कोई गर्लफ्रेंड का मामला है, कोई सौतन का मामला है, तब ये मत करना। जब बिना बात के सिर्फ बहस हो रही है दोनों में, तब करना ये उपाय। और गुरुवार के दिन ही चार चांदी की कील अपने बेड के चारों पैर पर लगा देना। देखो लोहे की पलंग पर मत सोना,
क्योंकि अगला कमेंट्स क्या आएगा, मैं जान रही हूँ मेरा बेड तो लोहे का, यदि लोहे का है तो घर में जिसका भी पुराना बेड लकड़ी का रिप्लेस कर लो, उसे अपना नया बेड दे दो, परंतु नया जोड़ा बिल्कुल लोहे पर ना सोए, भूल कर भी ना सोए, ये रिश्ता नहीं टिकेगा। पुराने जमाने से चली आ रही है, लड़की को जो बेड मिलता है शादी में वो भी लकड़ी का होना चाहिए, नहीं मिलता है तो जो बेड है तुम लोगों का सोने का वो लकड़ी का ही हो। लोहे के पैर वाले बेड अगर आप गलती से खरीद लिए, आपको जानकारी नहीं, दे दो घर में जो कुंवारा है उसको और उसकी पुराने बेड ही ले आओ, परंतु लकड़ी पर ही सोना पति पत्नी। उसके पैर में तुम चार चांदी की किल किसी भी दिशा में, नीचे हो साइड हो, चारों पैर पे ठुकवा देना और तब सो उस पर। ये जो तुमने आज किया है या तुम्हें एक ही बार करना है, किल तुम्हें एक ही बार ठुकवानी है और गुरुवार के गुरुवार विधिवत केले के वृक्ष का पूजा करना, पीले वस्त्र धारण करना और पीली चूड़ियां पहनना, तुम केवल एक बार करो। आकर मुझे तुम खुद ही लिखोगे कि दीदी झगड़े कम हो गए हैं और अब झगड़े बंद हो गए। अपना ख्याल रखना, खुश रहना, हमेशा साथ रहना। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।